यहां भी जब सरकार बनी और आंकड़ा 173 को पार करने लगा तो मेरे मन में पहली बात आई, मैं दिग्विजय सिंह जी को मिलने गई। अब बेचारे हार गए थे, लेकिन फिर भी प्रणाम करने की परंपरा है हारे हुए व्यक्ति को, तो मैं उनको प्रणाम करने गई। तो जब मैं उनको प्रणाम, अच्छा उन्हें कह भी रखा था कि हार जाऊंगा तो संन्यास ले लूंगा, तो संन्यास लेने की बारी उनकी आ गई, मुख्यमंत्री बनने की बारी मेरी आ गई। अब मैं उनको मिलने गई तो उनने मुझे कहा, उमा अर्थ संकट बहुत बड़ा है, पैसे का इतना बड़ा संकट है कि राज्य चल नहीं पाएगा, तुम कर्मचारियों की तनख्वाह देने में भी तुम्हें परेशानी होगी। मैंने कहा भाई देखते हैं रास्ता निकालेंगे, ओपन मार्केट बोरिंग का रास्ता निकाला। और मैंने सुना कि त्रिजुगी नारायण में 3 कुंड हैं, अगर शिवरात्रि को उनमें स्नान कर लिया जाए तो मनोकामना पूरी होती है। तो मैं मुख्यमंत्री थी और मैं वहां गई और बर्फ की परत थी पानी पर। मैं आपको क्या बताऊं, मैं पहले नहाई, जो नियम है पहले शिवजी के कुंड में यानी ध्वंस करो हमारी किस्मत को बदलो, दूसरा कुंड होता है ब्रह्मा जी का यानी नए को जन्म दो, और तीसरा होता है विष्णु का की पोषण करो। वो तीनों कुंडों में जब मैंने नहाया तो लोगों को लगा है कैसी मुख्यमंत्री है, मर जाएगी ठंड में क्योंकि बर्फीला पानी है। लेकिन मैं उसमें उतर गई और अंत में जब मैं खड़ी हुई त्रिजुगी नारायण की धुनी के सामने तो मैंने कहा मैंने एक ही मनोकामना से स्नान किया है कि मेरे राज्य में धन धान्य की कमी नहीं रहनी चाहिए, ये मेरी मनोकामना है। और वो मेरी मनोकामना शिवराज जी ने पूरी की है, किसान इतना खुशहाल है, मजदूर इतना खुशहाल है, महिलाएं इतनी खुशहाल हैं, नौजवान इतने खुशहाल हैं, सब तरफ प्रसन्नता देखने को मिलती है लोगों के चेहरे के ऊपर। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि उस समय भी मेरे मन में क्या बात रहती होगी कि ये राज्य को ठीक से चलाना है। ऐसी कितनी बातें रही हैं, जब जीवन में सफलताएं मिली, उत्कर्ष मिले, अलौकिक उपलब्धियां हुई, लेकिन मैं भय या आशंका से ग्रस्त रही। एक घटना यह घटी है आपकारी नीति जो 100% मेरी आत्मा को तुष्टि पहुंचाने वाली बनी है। 100% मतलब अब तो मैं ऐसी नमित हो गई हूं इस भार से कि जब हनुमान जी लंका जला के आए तो मैं रामचंद्र जी नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा कि सुन सुत तो ही उरण में नाही, हे पुत्र मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। मैं शिवराज जी से 2 वर्ष छोटी हूं लेकिन वो मेरे पुत्र की तरह हैं, बहनें हमेशा माँ के स्थान पर होती हैं। आज मैं उनको भी यही कहूंगी, सुन सुत तो ही उरण में नाही, हे पुत्र मैं तेरा ऋण नहीं चुका सकती। मुझे जिंदगी में ऐसा संतोष कभी नहीं मिला, आप यकीन करो ईश्वर साक्षी है, ऐसा संतोष कभी नहीं मिला जैसा कि मुझे आपकारी नीति से संतोष मिला है। परम संतोष, एकदम आत्मा की गहराइयों तक वो संतोष उतर गया। और सीता जी ने जो आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, मैं वो भी रिपीट करूंगी। जब हनुमान जी सीता जी के सामने खड़े हो गए तो जो सीता जी ने कहा वो भी मुझे शिवराज जी को कहना है, अजर अमर गुण निधि सुत हो और करहूं बहुत रघुनायक छोहू, हे पुत्र तुम अजर और अमर हो और तुम्हारे ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। तो मैंने रामचंद्र जी का भी संदेश दे दिया और मैंने सीता जी का भी संदेश दे दिया कि आप अजर और अमर हो, आप सदैव विजय प्राप्त करो, सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो, आपका यश सदैव बना रहे, क्योंकि तनय मात पित पोषण हारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। जब भगवान राम ने कौशल्या से कहा कि माँ मुझे वन में जाने दो, तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरे बिना तड़पूंगी, यहां मेरी देखभाल कौन करेगा, सीता करती है तू करता है। तो राम ने जो कहा कि माँ दो तरह के बेटे होते हैं, यहाँ की महिलाएं नोट कर लें कि शिवराज जी कौन सा बेटा है, उन्होंने कहा दो तरह के बेटे होते हैं, एक वो जो माँ बाप का पोषण करते हैं मतलब उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और एक वो जो माँ बाप का तोषण करते हैं यानी उनकी आत्मा को तृप्ति प्रदान करते हैं। शिवराज जी वो पुत्र है जो तोषण करने वाला पुत्र है। और रामचंद्र जी ने कहा तनय मात पित तोषण हारा दुर्लभ जननी सकल संसारा, हे माँ माता पिता को संतुष्टि प्रदान करने वाला पुत्र सृष्टि में दुर्लभ होता है। और ऐसे ही दुर्लभ प्राणी मेरे बड़े भाई शिवराज सिंह जी चौहान हैं, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, मेरे जीवन को उन्होंने पूर्ण संतुष्टि से भर दिया है। अब मैं आराम से नर्मदा किनारे कुछ दिनों रहूंगी, फिर मैं आराम से प्रसन्नता से भरी हुई हिमालय की तरफ बढ़ जाऊंगी, और जब जरूरत पड़ेगी, मेरे भाई को जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए मेरी क्योंकि उनको भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है, तो मैं हमेशा उनके लिए काम आऊंगी, मैं जी जान से उनके काम के लिए निछावर रहूंगी, ये मैंने तय कर लिया है क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान की।